With the experience of so many years, Sushma is here with the project named as Sushma Valencia, which is a luxurious project located in Zirakpur. Hey everyone, welcome back to our channel Tri-City Property Guru. I'm your host Tarannum and today here I am in Zirakpur, jahan pe aaj main aapko dikhane wali hoon ek luxurious project by Sushma by the name Sushma Valencia. So aaiye video ko shuru karte hain. So guys, this will be your exact lobby area. एक फ्लोर पे आपके दो अपार्टमेंट्स रहेंगे एंड दिस इज आर टूडेज अपार्टमेंट जो आज मैं आपको रिव्यू करने वाली हूँ, विच इज़ अ 3+1 BHK. यहाँ पे रहेगा इसका सर्वेंट रूम अटैच विद वॉशरूम रहेगा एंड ये रहेगी आपकी मेन एंट्री. आपको अपार्टमेंट के अंदर लेके जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपार्टमेंट का मैप रिव्यू कर देती हूँ. यहाँ से आपको लेआउट समझ आ जाएगा. सो गाइज, यहाँ रहेगी आपके अपार्टमेंट की एंट्री एंड एंट्री करते ही सबसे पहले रहने वाला है आपका ड्राइंग एरिया विद अटैच बैल्कनी. देन जैसे ही आप आगे जाएंगे यहाँ पे आ जाएगा आपका डाइनिंग एंड लॉबी एरिया. आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है एंड देन यहाँ पे सामने रहेगा आपका किचन, देन योर बेडरूम, योर मास्टर बेडरूम एंड योर फर्स्ट बेडरूम एंड सबके साथ यहाँ पे आपको जो वॉशरूम है वो अटैच मिलने वाले हैं. सो ये था कुछ लेआउट हमारे आज के अपार्टमेंट का. सो आइए चलते हैं, पहले मैं आपको सर्वेंट रूम चेकआउट करा देती हूँ, उसके बाद हम अंदर चलेंगे. आइए. सो गाइज, यहाँ है हमारा सर्वेंट रूम जो विद अटैच वॉशरूम आपको मिलने वाला है. फुटेज देख के आप यहाँ पे साइज का आइडिया लगा सकते हैं कितना स्पेशियस ये रहने वाला है. सो अब चलते हैं अंदर. सो आइए. सो गाइज, एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा आपका ब्यूटीफुल ड्राइंग एरिया. जैसे कि मैंने आपको लेआउट में भी बताया था, आप देख सकते हैं कितना अच्छा स्पेस है, कितना ब्यूटीफुली डेकोरेटिव है ये. अगर आप भी यहाँ पे अपार्टमेंट लेने का सोच रहे हैं तो आप इस सिंपल अपार्टमेंट से बहुत सारे आइडियाज़ ले सकते हैं कि आप अपने घर को किस तरीके से डेकोरेट करेंगे. अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो इसका साइज़ रहने वाला है 13x15.4.5. तो स्पेस काफ़ी सारा है जैसे कि आप देख सकते हैं. ऑलरेडी क्योंकि ये सैम्पल अपार्टमेंट है तो यहाँ पे बहुत सारा सीटिंग आपका ऑलरेडी मैनेज्ड है. आप यहाँ पे सोफ़ाज देख सकते हैं, सेंटर टेबल बीच में, यहाँ पे दो सीट्स आ जाएंगी आपकी. कमिंग टू दिस साइड, यहाँ पे आपका एलडी के लिए बिल्कुल सेपरेट स्पेस आ जाएगा गाइस. यहाँ आप देख सकते हैं, आप अगर बनवाना चाहें यहाँ पे एलईडी पैनल भी बना सकते हैं काफ़ी बड़ा. यहाँ पे प्रॉपर आपको स्पेस मिल जाएगा एलईडी पैनल के लिए. ऊपर अगर हम फॉल सीलिंग की बात करेंगे, आपको सारा एज इट इज़ मिलने वाला है विद दिस ब्यूटीफुल लाइट्स एंड यहाँ पर रहेगी आपकी एसी की डक्टिंग. एज आई सेड कि आपकी ड्रॉइंग एरिया के साथ अटैच बैल्कनी भी आ जाएगी, तो आइए बैल्कनी भी एक बार आपको चेकआउट कराती हूँ. सो गाइज, ये रहेगी बैल्कनी आपके ड्राइंग एरिया के साथ अटैच. यहाँ पे अगर मैं डोर की बात करूँ तो ये डोर आपको वो टफन ग्लास यहाँ पे मिल जाएंगे जो आपके बैल्कनी के डोर्स रहेंगे. बैल्कनी की रेलिंग की हाइट की बात करूँ, काफ़ी अच्छी रेलिंग है विथ मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी आपको यहाँ पे मिल रही है. स्पेस की अगर बात करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने ना ऑलरेडी सिटिंग अरेंज करके रखी है, तो आप भी कुछ अपनी बैल्कनी में ऐसा कर सकते हैं. एंड एक और बात बता दूँ कि आपकी रनिंग बैल्कनी है, आपकी ड्राइंग एरिया एंड आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ अटैच रहेगी. सो ये थी हमारी बालकनी आर ड्राइंग एरिया के साथ अटैच. अब हम चलेंगे आगे एंड चेकआउट करेंगे हमारा डाइनिंग प्लस लॉबी एरिया. सो गाइज, ये है आपका डाइनिंग प्लस लॉबी एरिया जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं. एंड इन दोनों का पार्टीशन करने के लिए इन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुल सा यहाँ पे सेंटर पार्टीशन ऐड किया हुआ है. अगर आप चाहेंगे तो आप भी कुछ ऐसा अपने ड्राइंग और डाइनिंग को पार्ट करने के लिए कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है यहाँ पे. सो यहाँ पे आ जाएगा आपका डाइनिंग एरिया एंड यहाँ पे छोटा सा आप अपना लॉबी क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं. यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल इन्होंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है. डाइनिंग एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे इन्होंने 6-सीटर डाइनिंग टेबल ऐड करके रखा है. इफ़ यू वॉन्ट आप इसको 8-सीटर भी बना सकते हैं, दो चेयर्स ऐड कर सकते हैं साइड में भी. अगर आपका फैमिली थोड़ा सा बड़ा है तो उससे भी ये एरिया बिल्कुल भी आपका कंजेस्टेड नहीं होगा, इट विल लुक गुड. डाइनिंग एरिया की वॉल की बात करेंगे अगर इधर हम, तो यहाँ पे आपको इनबिल्ट स्पेस मिल जाएगा जिसको आप मल्टीपर्पसली यूज़ कर सकते हैं. चाहे आप क्रॉकरी यूनिट बनाना चाहें वैसे कर सकते हैं, मिनी बार बनाना चाहें वो कर सकते हैं, या फिर पूजा स्पेस क्रिएट करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं. बट उसके लिए आपको एक और जगह पर मिल जाएगी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं. सो यहाँ पर भी आपको एक स्पेस मिल रहा है
मतलब बेसिकली अगर हम बात करें, दो स्पेस आपको मिल जाएंगे, एक को आप क्रॉकरी यूनिट या फिर मिनी बार बना सकते हैं, एक को आप यहाँ पे पूजा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि घर में पॉजिटिव वाइब्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। सो उसके बाद यहाँ पे आप लॉबी एरिया देखिए, काफ़ी ब्यूटीफुली, जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी ब्यूटीफुली इन्होंने क्रिएट कर रखा है। आप आइडियाज़ भी ले सकते हैं अपने घर के किसी भी छोटे से प्लेस को डेकोरेट करने के लिए या छोटा सा अपना सिटिंग क्रिएट करने के लिए। ऊपर फॉल सीलिंग की बात करेंगे, आपको सारा एज इट इज़ मिलने वाला है, जिसमें आप छोटी छोटी लाइट्स देख सकते हैं, वो भी आपकी सारी एज इट इज़ रहेगी। फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो पूरे घर में ही आपको टाइलिंग मिल जाएगा। सो ये था हमारा डाइनिंग प्लस लॉबी एरिया, हमने अपना ड्राइंग एरिया भी चेकआउट कर लिया है। अब हम चलेंगे हमारे किचन में, जो इसके बिल्कुल साथ में यहाँ पे जॉइंट रहेगा। सो ये आ जाएगा हमारा किचन। आप देख सकते हैं ड्राई एंड वेट सेक्शन दोनों डिफरेंट है, पैरेलल में दोनों स्लैब्स आ जाएंगे। पहले साइड बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कुकिंग काउंटर, ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है। बीच में आपके हॉब के लिए स्पेस आ जाएगा, आपकी चिमनी के लिए। आपको कैबिनेट्स की बात करूँ तो आपको काफी स्पेशियस कैबिनेट्स मिल रहे हैं यहाँ पे। आप अपना सामान बहुत इजीली स्टोर कर सकते हैं। लोअर कैबिनेट्स की बात करूं तो ये आ जाएंगे आपके वुड सॉफ्ट क्लोजर, एज यू कैन सी। इस साइड की बात करेंगे, स्टार्टिंग से कर लेते हैं, तो यहाँ पे स्पेस आ जाएगा आपके रेफ्रिजरेटर के लिए, देन आपके अप्लायंसेस के लिए, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा स्पेस आपके यूटेंसिल्स के लिए। दोनों आपके यहाँ पे सिंक आ जाएंगे, डुअल सिंक रहेगा, जहाँ पे आप अपने यूटेंसिल्स वॉश कर सकते हैं एंड ऊपर उनको रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आपको कैबिनेट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे नीचे भी स्पेस आ जाएगा, एंड स्पेशली यहाँ पे सिंक के नीचे जो आपका स्पेस रहेगा, तो यहाँ पे आपका डस्टबिन जो है वो इनबिल्ट रहेगा। देन यहाँ पे जो स्पेस है, ये आपके बार्स वगैरह रखने के लिए आ जाएगा। किचन के साथ भी आपका बालकनी अटैच रहेगा, जो मैं आपको दूसरे रूम से दिखाऊंगी, क्योंकि आपका अटैच बालकनी है। सो गाइज, ये थे हमारे आउटर पार्ट्स, आर ड्रॉइंग, डाइनिंग एंड आर किचन। अब चलेंगे रूम्स की तरफ, तो वहाँ है हमारा फर्स्ट बेडरूम, आर गेस्ट बेडरूम। आइए। सो गाइज, दिस इज़ आर गेस्ट बेडरूम। अगर मैं इसकी साइज़ की बात करूँ तो इसका साइज़ रहने वाला है 11x15। काफ़ी स्पेशियस रूम आ जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है। अगर आपको भी ऐसा थोड़ा सा पीसफुल वाला एनवायरनमेंट पसंद है अपने घर का, अपने रूम का, तो आप भी कुछ ऐसे आइडियाज़ ले सकते हैं अपने रूम को क्रिएट करने के लिए, रूम में कुछ पीसफुल वाइब क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं आपका बेड सेंटर में है, देन आपका साइड टेबल्स ऐड करने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस आ जाता है, एंड इवन साइड टेबल्स रखने के बाद भी आपके पास इतना स्पेस यहाँ पे बच जाता है कि आप एक छोटा मोटा सिटिंग अपने रूम में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से आपका बालकनी अटैच रहेगा, जो मैंने आपको ड्राइंग एरिया से दिखाया था। यहाँ पे आपको एसी का डक्टिंग मिल जाएगा, देन ये रहेंगे आपके कबर्ड्स। सो काफ़ी स्पेशियस कबर्ड्स आ जाएंगे आपके। लेआउट भी अगर आप देखेंगे, काफ़ी अच्छा लेआउट दिया गया है। आप देख लीजिए एक बार स्पेस, काफ़ी अच्छा स्पेस है। आपके सारे कपड़े इजीली इसमें स्टोर हो जाएंगे। देन सामने वाली वॉल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एलईडी पैनल के लिए स्पेस, आप अपना स्क्रीन यहाँ पे लगा सकते हैं। एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आपका वॉशरूम अटैच, जिसको आप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, एंड यहाँ से भी आपके पास स्पेस आ जाएगा, क्योंकि आपका कॉमन वॉशरूम है, आपके गेस्ट वगैरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें दो डोर्स रहेंगे, ये आपका प्राइवेट डोर रहेगा जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं या आपके गेस्ट, यहाँ से ये बाहर से दरवाज़ा आ जाएगा। सो अगर हम वॉशरूम की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सेटअप है, आपका बेसिन आ जाएगा, देन योर वैनिटी मिरर है यहाँ पे, पार्टीशन। आप भी कुछ इस तरीके का चीज़ें अपने वॉशरूम में कर सकते हैं टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका पर्टिकुलर स्पेस आ जाएगा हर चीज़ के लिए, जैसे कि आपका बेसिन यहाँ पे था, आपका बाथिंग सेक्शन यहाँ आ जाएगा, देन आपकी सीट के लिए यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। सो ये था हमारा वॉशरूम। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट बेडरूम। अब चलेंगे हमारे सेकेंड बेडरूम की तरफ, जो है आपका वहाँ। सो गाइज, ये रहेगा हमारा सेकेंड बेडरूम। लुक एट द कलर्स गाइज, लुक एट द डिजाइनिंग, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रूम। मतलब आई मस्ट से कि आप बहुत अच्छे आइडियाज ले सकते हैं यहाँ से अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए। लुक एट दिस वॉल यार,
मतलब ये साइड देखिए आप पूरी, मतलब बीच में आपके डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे, यहाँ पे वाइट है आपका, पर्पल है, देन ग्रे है, पीछे आपका मिरर आ जाएगा, ब्यूटीफुल लाइटिंग वहाँ पे कर रखा है, देन यू फ्लावर्स यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब एकदम परफेक्ट रूम है ये आपका। अगर आप आइडियाज़ लेना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छे आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे यहाँ से। साइज़ की बात करूँगी तो 11x15 इसका साइज़ रहेगा, जिसमें सामने वाली वॉल पे यहाँ पे आ जाएगा आपका LED पैनल के लिए स्पेस, स्क्रीन आप अपना यहाँ लगा सकते हैं, वहाँ पे रहेंगे आपके कबर्ड्स विद ब्यूटीफुल लेआउट, वहाँ पे रहेगा आपका AC का डक्टिंग, एंड AC के साथ आपकी बालकनी भी अटैच आ जाएगी जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले हम वॉशरूम चेकआउट करेंगे। तो यहाँ है हमारा वॉशरूम, सो ये आ जाएगा हमारा वॉशरूम। स्पेस की बात करूँगी तो अगेन इसमें भी आपका स्टार्टिंग में बेसिन आ जाएगा, वैनिटी, देन यू सीट के लिए स्पेस, पार्टीशन, एंड यहाँ पे आपका पूरा बाथिंग सेक्शन आ जाएगा। तो आप भी ऐसी कुछ चीज़ें अपने वॉशरूम में ऐड कर सकते हैं टू मेक इट मोर ब्यूटीफुल, एज आई सेड बिफोर, तो आप यहाँ से भी आइडियाज़ ले सकते हैं। सो अब वॉशरूम के बाद हम चेकआउट करेंगे हमारी बालकनी, आइए। सो गाइज ये आ जाएगी बालकनी आपके किचन एंड आपके सेकंड बेडरूम के साथ कनेक्टेड, काफ़ी अच्छा स्पेस है। एंड गाइज उस तरफ अगर आप नज़र देंगे वहाँ पे आ जाएगा सेकंड पॉकेट जो जिसकी मैंने बात की थी, सुषमा बैलेंसिया का ही, जिसमें भी आपकी डिफरेंट इन्वेंट्रीज आ जाएंगी, पार्क्स उसमें भी आपके प्रोवाइडेड हैं, मतलब कुछ फ्लैट्स उसमें आपको रेडी टू पोजेशन मिल जाएंगे, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन रहने वाले हैं, तो ये सामने वाला आपका सेकेंड पॉकेट आ जाएगा। सो दिस वॉज आर सेकेंड बेडरूम, अब चलेंगे हमारे थर्ड बेडरूम आर मास्टर बेडरूम में। सो ये आ जाएगा हमारा मास्टर बेडरूम, अगर साइज़ की बात करेंगे 11x15 इसका साइज रहेगा। इसमें भी आप कलर्स देख सकते हैं, डिज़ाइनिंग देख सकते हैं, रूम की बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आपको मिलने वाली है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इस रूम में आपका जो फ्लोरिंग रहने वाला है वो कंप्लीट आपका वुडन का फ्लोरिंग रहने वाला है। इसमें भी आप स्पेस का आइडिया यहाँ से लगा सकते हैं कि आपका बेड, आपके साइड टेबल्स इंस्टॉल हैं, उसके बाद आपकी यहाँ पे दो चेयर्स भी आ जाएंगी, सेंटर टेबल आप यहाँ देख सकते हैं, कबर्ड्स यहाँ आ जाएंगे आपके विद अ ब्यूटीफुल लेआउट, एंड सामने वाली वॉल पे यहाँ पे रहेगा आपका LED के लिए स्पेस, जहाँ पे आप अपना कितना भी बड़ा स्क्रीन लगाना चाहें आप इजीली यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगी बालकनी अटैच, आइए। सो गाइज ये रहेगी बालकनी आपकी मास्टर बेडरूम के साथ कनेक्टेड, काफ़ी अच्छा स्पेस है, आप यहाँ पे अपना सेटिंग कर सकते हैं। सामने सिक्योरिटी पर्पज से देखेंगे तो आपके रेलिंग का हाइट भी काफ़ी अच्छा दिया गया है यहाँ पे। सो ये थी हमारी बालकनी, अब इसके बाद चेकआउट करते हैं हमारे मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। वाओ, लुक एट द स्पेस फर्स्ट, काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस वॉशरूम है। यहाँ पे भी आपको बाथिंग के लिए अलग सेक्शन मिल जाएगा, टैप्स आपके प्रोवाइडेड हैं, पार्टीशन कुछ ऐसा आप भी अपने वॉशरूम में कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आपका सीट, एंड यहाँ पे बेसिन, मिरर आप भी यहाँ पे लगा सकते हैं विद दिस ब्यूटीफुल लाइटिंग, कुछ ऐसा क्रिएट कर सकते हैं अपने वॉशरूम में ताकि वो और भी ज़्यादा सुंदर लगे एंड आपको एक अच्छी अच्छी वाइब आए अपने वॉशरूम में। सो ये था हमारा मास्टर बेडरूम। सो गाइस इसी के साथ आज के हमारे इस ब्यूटीफुल से घर का टूर कंप्लीट होता है, जिसमें आज मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई। 3+1 BHK है, साइज़ की बात करूँ तो 250 स्क्वायर यार्ड का साइज़ है। आपको ये अपार्टमेंट, आपको ये प्रोजेक्ट किस तरीके का लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, वी आर हेयर टू असिस्ट यू। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।